हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शुभम सैन्य माइंड चेंजर। दोस्तों, आपका एक बार फिर मेरा चैनल शुभम माइंड चेंजर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर उत्तराखंड और सेंट्रल लेवल की सभी जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशंस और अपडेट्स सबसे पहले आपको मुहैया करा दी जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त शुभम आपके बीच इस जो सप्ताह करंट की न्यूज़ या जो भी अपडेट्स है आपके बीच लेकर उपस्थित हूँ। ठीक है दोस्तों, दोस्तों सबसे पहले तो आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने जो लास्ट वीडियो को जो प्यार दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे आशा करता हूँ कि आप मेरी सभी वीडियो को इतना ही प्यार देंगे और जैसे आप सपोर्ट आपने किया है ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। दोस्तों, अभी 17 मार्च को जो रामनगर नैनीताल में रैली हुई, रैली काफ़ी सफल रही और सबसे अच्छी बात है कि गांधीवादी विचारों को लेकर रैली का आयोजन किया गया था। वैसे तो सेमीफाइनल था, फाइनल तो 26 मार्च को होगा। आप सभी को पता ही है कि उत्तराखंड के जितने बेरोजगार हैं उन्होंने सभी ने एक एक शांतिपूर्ण ढंग से एक आक्रोश रैली का आयोजन किया है देहरादून परेड ग्राउंड में, जो कि उसका जो सेमीफाइनल था वो 17 मार्च को था रामनगर नैनीताल में, और जो उसका फाइनल है जैसे कि इन्होंने युवाओं ने उसको नाम दिया है फाइनल और सेमीफाइनल, तो वो फाइनल 27 मार्च को होगा। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस रैली को आयोजन करने वालों को, और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे उन्होंने कल शांतिपूर्ण ढंग से गांधीवादी जो विचार है उनको लेकर उन्होंने रैली का आयोजन किया, हालांकि मैं भी वहां मौजूद था, काफ़ी अच्छा लगा कि जितने भी हमारे युवा साथीगण हैं सभी ने विदाउट कोई ज़्यादा क्रांतिपूर्ण ढंग से कार्य ना करके शांतिपूर्ण ढंग से कार्य किया। सभी का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, और वहाँ पर उपस्थित जितने भी युवा साथी आए हुए थे सभी को मेरा एक बार फिर से धन्यवाद। और बस आपसे ऐसा ही ऐसा आशा करूँगा कि आप 26 मार्च को जो एक फाइनल होगा वो उसमें भी आप ऐसा ही अपना सहयोग दें, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दें। दोस्तों, इस रैली में युवाओं की छोटी सी मांग रही है सरकार से और आयोग से कि पेपर को निरपेक्ष तरीके से कराएं और जल्द कराएं, एक छोटा सा टाइम पीरियड लेके कराएं। ऐसा ना हो कि आवेदन 1 साल पहले लिए जाए और 2-3 साल बाद उसका पेपर लिया जाए और 2-3 साल बाद उसका रिजल्ट दिया जाए। दोस्तों, ऐसे जो यहाँ के उत्तराखंड के क्या टोटली बच्चों की बात हूँ मैं, तो ये जो प्रॉब्लम है ये हमारे नहीं आई, ये सभी 29 राज्यों के सभी सभी युवाओं की छोटी सी छोटी क्या बहुत बड़ी बता सकते हैं, बहुत बड़ी परेशानी है कि उनका एक साल तो फॉर्म भरने की प्रक्रिया चलती है, 1 साल पेपर देने की प्रक्रिया चलती है और 1 साल में उसका रिजल्ट आता है, 3-4 साल एक छोटी सी भर्ती कराने में लगा रहती है सरकार। और आपको बताना ऐसा क्यों होता है, ऐसा ना होता है कि जो जो सरकार होती है वो एक एक महीने की सैलरी का हिसाब रखती है, वो सोचती है कि जितना लेट हो सके उतना लेट करा जाए ताकि उनके जो पर मंथ सैलरी होती है ना वो बचाई जा सके। ऐसा करने के लिए सरकार युवाओं का भविष्य खराब कर रही है और कुछ नहीं है। आपको बताऊं, जो ये रैली की जा रही है इसमें किसी विशेष पार्टी का हाथ नहीं है कि इसमें कि युवा कांग्रेस को समर्थन देने के लिए या किसी अन्य दल को समर्थन देने के लिए ये पार्टी कर रही है। दोस्तों, जो भी युवा है शांतिपूर्ण ढंग से अपना हक के लिए ये रैली कर रहे हैं, उनका सिर्फ एक छोटी सी मांग है कि भर्ती को जल्द कराए, निरपेक्ष कराए और एक छोटा सा टाइम पीरियड लेकर बनाए। आप पहले बता दो कि हम ये भर्ती 1 साल में करा देंगे तो दोस्तों सभी को विश्वास हो जाता है, चलो ठीक है 1 साल में भर्ती हो जाएगी। अब होता क्या है, 3-3 साल बताओ अपना आप बच्चे लग रहे हैं कोचिंगों में। दोस्तों बताओ, अभी कल अभी दो तीन दिन पहले वो मेरे लास्ट वीडियो डाली थी, उसमें मैंने बताया था, वो एक अखबार में छोटा सा आ गया था कि उसमें 800-900 टेक्निकल भर्ती आएंगी। तो दोस्तों मुझे आप जानकर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होंगे कि जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर उनमें स्पेशली बैच चलने लगे टेक्निकल के। अब बताओ इसका इन भर्तियों का फायदा ना तो सरकार को होता है और जो कोचिंग के जो संचालक होते हैं उन्हें होता है, क्योंकि वैकेंसी सरकार ने लिख दी बस कि हाँ हम 1000 पद निकाल लेंगे, हम 1000 पटवारी के पद निकाल लेंगे और कोचिंगों में बैच स्टार्ट। तो मैं सरकार से बस थोड़ा सा अनुरोध करना चाहूंगा कि भविष्य युवाओं का भविष्य खराब ना करें और बस उन्हें उन्हें भी देश के विकास करने में थोड़ा सहयोग देने का के मौका दें। ठीक है जी, बस यही आपसे रिक्वेस्ट है, और बस ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास और
मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ पैसों के लिए नहीं बनाता कि यार पैसे कमाने हैं मुझे, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा तो बस ये है कि यार जो जो युवा जो उत्तराखंड का या हमारे देश का जो युवा पीड़ित हो रहा है ना जिस चीज़ से, उसे सरकार के सामने लाना, बस मेरा तो छोटा सा ये उद्देश्य है। ठीक है, आई होप वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी होगी। बस आपसे विदा लेऊंगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।